हेलो गाइस, वेलकम टू डे 5। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। जो हमारा आज का प्लान था, हम लोग लंगजा जाने वाले थे, उसके बाद एक गेम फिर या फिर कॉमिक, लेकिन टाइम कम होने की वजह से लंगजा हमने मिस कर दिया। और यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, आपको काफ़ी सारी बर्फ़ देखने को मिलती है। जब हमने यहाँ से शुरू किया था, नीचे से बर्फ़ बिल्कुल नहीं थी, और जैसे जैसे हम चढ़ते गए, काफ़ी ज़्यादा हमें बर्फ़ देखने को मिली यहाँ पे। एंड फ्रॉम लंगजा वी आर गोइंग टू कॉमिक। If you see the view, it's mesmerizing. I can feel the snow, I can touch the snow. Yeah, let me show you some snow. Comic, right? Right. Okay, finally we have reached Comic. Let me show you the village. It took a little bit time. We did some drone shooting. We had fun. And this is the village. Looks amazing. Okay. Which tells you the height and everything about this village. No, population 140 people. And I think this place is worth visiting, and it's pretty cold here. Anything else you want to say? We have been to Kharzunga, which is like 18,350 feet, but it's not a village, right? So this is close to 15,000 feet, and it's a village. It is the highest notable road. So what else you need, man? It's an achievement. Yeah. So then this is the food you can get. Comic. World's highest restaurant, 70 rupees per plate, and we three are having, but it's yummy. You'll love it. I like it. I'm hungry.
और कॉमिक हमें काफ़ी फैंटास्टिक लगा। वहाँ पर लंच करने के बाद हम लोग हिकिम के लिए निकल पड़े। जो लेफ्ट हैंड साइड में विलेज है वो हिकिम है। यहाँ पर वर्ल्ड का हाइस्ट पोस्ट ऑफिस है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, हमें चंद्रताल कवर करना था, इसलिए हम लोग इसको भी मिस करते हुए निकल पड़े। और यहाँ पे लोग कितने जेन्युइन हैं इससे पता चलता है। बहुत छोटी जगह थी, फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने अपने ट्रैक्टर को साइड करके हमें पास दिया। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू टू दैट मैन। और आप सभी को पता होगा दिस इज स्पिति इज लव। इसका एक रीज़न है जिन्होंने इनिशिएट किया है, इस रियली फॉर अ गुड कॉज, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और हम जैसे बहुत सारे लोग जो मेट्रो सिटी में रहते हैं वो रिमोट जगह जैसे स्पीति और ले जाना पसंद करते हैं, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए। और जाने या अनजाने में हम लोग अपने साथ बहुत सारा जो प्लास्टिक है वो कैरी करते हैं, और बहुत सारे लोग इसे डस्टबिन पे डंप करते हैं, बहुत सारे लोग रास्ते पे फेंक देते हैं, और फाइनली उस डंप को सिटी से दूर किसी ऐसी जगह में फेंका जाता है या जलाया जाता है उसे ख़त्म करने के लिए। और इससे जो धुआं निकलता है वो सिटी को पोल्यूट करता है और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। तो ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद प्रैट, राजीव और मैंने डिसाइड किया है जब भी हम किसी ऐसी जगह जाएंगे वहाँ पर प्लास्टिक बॉटल यूज़ नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उससे वापस घर ले आएंगे और डंप करेंगे। और उसके बाद हम लोग की मॉनेस्ट्री के लिए निकल पड़े, लेकिन हमारी बदकिस्मती यही थी कि मॉनेस्ट्री में प्रीचिंग चल रहा था तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी और वहाँ पे ढंग से विज़िट करना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने बाहर से फ़ोटो वगैरह खींचा और उसके बाद निकल पड़े हम लोग चंद्रताल की तरफ। अभी हम किब्बर पहुंचे हैं, बहुत तुमने सुना होगा, एक छोटा सा गांव है, बहुत खूबसूरत है। और यहां से किब्बर होते हुए हम लोग चिचिम ब्रिज है जो एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, वहां से होते हुए बाटल जाएंगे। बाटल चंद्रताल से पहले पहुंचता है, लेकिन हमने रंगरिक और जो मठ विलेज है वो मिस किया था। किब्बर से पहले लेफ्ट हैंड साइड से होते हुए वो रूट पड़ता है जहाँ पर आपको मठ विलेज और रंगरिक पड़ेगा, हमने तो अनफॉर्चुनेटली इसे मिस कर दिया है, लेकिन आप लोग मड विलेज और रंगरिक जरूर जाइएगा। सामने का जो व्यू है बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आप लेफ्ट टर्न लेते हो तो दूसरी साइड का व्यू और भी आपको अच्छा दिखता है। और थोड़ी सी मस्ती और ड्रिफ्टिंग करने के बाद हम निकल पड़े आगे की तरफ। किब्बर के बाद ऐसी छोटी छोटी और खूबसूरत जगह आपको काफी देखने को मिलेगी। और हमारा जो टारगेट था आज का लोसर में रुकने का था, हम लोग लोसर पे रुकते फिर वहाँ से हम लोग चंद्रताल की तरफ बढ़ते, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही थी और रास्ता यहाँ पे पूरा बंद था।
और इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमें बिल्कुल नहीं पता चला हमें क्या करना चाहिए। और हमें लेफ्ट हैंड साइड में दूर कहीं एक गांव दिख रहा था, हमें नाम भी नहीं पता था उसका। तो एक बार मन में आया कि चलो उस गांव में आज स्टे कर लेते हैं, कल की कल देख लेंगे। और तभी एक आशा की किरण नजर आई हमें, दूर से एक ट्रक आते हुए दिखा और वो रास्ता ऑल्टरनेट रूट था लोसर जाने के लिए। थैंक गॉड। Okay, right now we are at Losar. We reached by 6:30 yesterday. It was very cold, maybe 1 degree, and the local people were telling that temperature will go down till minus 10 in the morning. It feels like, yeah, it's really really cold here. Manali highway is still not open, so what we are doing is we will go to Kunjum Pass. There's a lot of snow. And from Kunjum Pass we'll take the picture and then we'll come back and we'll go to Kaza. Then from the same route we will go back to Delhi. This is so unfortunate, but it has to be this way. Looks really nice. Highway is blocked, it's not been cleared yet. So, but we have taken the permission from the local police here. And they allowed us to go till Kunjum Pass because there's a lot of snow in the ways. So they have allowed us to go till Kunjum Pass and take the pictures. Pratt has gone there. They asked for the license, and they will take the license, submit it, and we'll go to Kunjum Pass and then come back. और जब हम लोसर पे थे तो हमें दूर पहाड़ियों पे बर्फ दिख रही थी, और जैसे जैसे कुंजुम पास की तरफ हम बढ़ते गए हमारे चारों तरफ 3 या 4 या 5 फीट की बर्फ हमें दिखी। और दूसरी अनएक्सपेक्टेड बात ये हुई हमारे साथ, जैसे जैसे कुंजुम पास हम चढ़ते गए टेम्परेचर बहुत जल्दी डिप हुआ, -1, -4, -5, और जब तक हम बाटल पहुंचे तो टेम्परेचर -10 तक हो चुका था। Just traveled. It's -5. That means it's close to -7 outside, and we are gonna step outside and take some pictures. And okay. Okay, guys, come out, guys. Does this feel -5 right now? You don't have much time, JCB. It's very freezing outside, and see the view, man. It's really nice. And we will go till we have road. And after that, we'll come back and, you know, go to Kaza. Right now, we're trying in the snow. We'll check if we... Oh, this is not very shaky. This is Kunjum Mata ka mandir. It is Kunjum Pass as well. So nobody is here. Yo Pratt, how's the experience? It's heavenly. Okay, we have crossed Kunjum Pass. We are going to Batal, and we will try and go to Chandratal if road is open. Let's see, depends on the luck. If we are lucky enough, we should be, because see, we never believed or never dreamed that we can do this. If you guys are watching this, we never believed it. Really? So it has come true. Then Chandratal maybe, you know, one of the destination which will be fulfilled as well. And let me show you some scenes here. Honestly, I've never seen this kind of view in my entire life. You see a small river flowing, then you see mountains fully covered with snow, and you see a crazy driver follow passengers. You guys will not be able to witness this, man. You have to watch this and you have to give us a view, at least 2 minutes.
What do you say, Brad? Yeah, all the vehicles that are crossing us, they are 4x4 with low gear option and everything. And we are with our Tata Hexa 4x2. But it's not taking any strain, it's doing everything just fine. And they have tested it for like minus 20 degrees, 25 degrees for sure. So I'm confident that we can definitely make it all the way. And we'll wait for the authorities to say, give us a green signal or not. Yeah. Let's see. Let's see what happens. Yeah. And that is view. Oh my god. This side ko to dikh nahi raha. Left hand side ka. हाँ हम तो डाल लेंगे थोड़ा बहुत वो क्या करेगा गाड़ी के आराम से चलना सेकंड होगा यार मुझे टेंशन क्या आती पता अगर ऊपर से कोई गाड़ी आई तो So we are about to reach part 2. So maybe they were rescued because of this snowfall. This might be the possibility. इतनी ज़्यादा ठंड है कि यहाँ पे देखो पूरी आइस जमी हुई है. Man, this is crazy. अभी हम लोग बाटल में हैं चाचा चाची के रेस्टोरेंट पे. So I got to hear a really interesting story from चाचा, right? So, वो कुछ बताने जा रहे हैं क्या हुआ था कितने लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया था. 106 लोग 8 दिन फंसे हैं. अच्छा. और फिर वो आजाद को फंसा 2002 में. अच्छा. 2012 में. बाकी फंसे 2010 में बॉम्बे का भुंजाल में 9 दिन फंसा है. अच्छा. वो लेडीज भी छोटा भी जनानी बड़ा बहुत है बचा स्कूल का बच्चा था ना. अच्छा. उनको बचा दिया हमने तभी अवार्ड मिला हमारे चंडीगढ़ में. चंडीगढ़ में. थैंक यू. तो ये है चंदा ढाबा बातल चाचा चाचा ढाबा. और ये मेरा ऑमलेट रेडी है. आई वाज सो हंग्री एंड आई गॉट अ चांस टू यू नो ईट इट. एंड बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए. ये मैं पोस्ट करूँगा ताकि लोग को पता चल सके जितने लोग भी आते हैं ना यहाँ पे आए और यहाँ पे रुक के कुछ खा के जाएं. Hello guys, we are at Bartle right now. We had to go to via Manali, but Manali road is closed. It's gonna take 3 days. So we got to know that in Loser, and from Loser we wanted to go to Chandratal. Chandratal is going to take at least one more day. So we will decide whether to stay for a day here in Chandratal. October month. Generally there's no snow in this month, but this time it has been, you know, it snowed for 3 days. All the mountains are covered with snow. This is unusual, but it has happened this year. We'll meet soon. तो रास्ता क्लोज होने की वजह से हम चंद्रताल भी नहीं जा पाए. ये मैं अपनी बदकिस्मती नहीं कहूँगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम चंद्रताल दोबारा विजिट करेंगे. तो रास्ते में हमें बाइकर का ग्रुप मिला था. वेरी नाइस पीपल, हम्बल पीपल. तो उनके साथ हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाया. और जो राइड है बाइक की बहुत आसान नहीं है, लेकिन उनको देख के एक मन में जोश आ जाता है कि उन्होंने जो ये पूरी राइड कंप्लीट की है. एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू मीट देम. अगर आपको याद होगा ये वही रास्ता है कल जहाँ पे रोड यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद थी. तो यहाँ पे हमने पत्थर रख दिए हैं काफ़ी सारे ताकि लोगों को पता चले कि ये रूट नहीं है, ये बंद है और उनको नीचे वाला अल्टरनेट रूट लेना चाहिए. इसलिए हमने वहाँ पे एरो का साइन भी बना दिया. तो जो हमारी स्पीति की जर्नी है यहीं पे ख़त्म होती है. मैं आप सभी लोग को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया है, बहुत अच्छे सारे कमेंट दिए हैं और बहुत सारी लाइक्स दिए हैं इन वीडियो में. आई रियली थैंक यू फॉर दैट.
तो कल मैं उत्तरांचल की ट्रिप पे जा रहा हूँ, बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड जो जगह है वो मैं दिखाऊंगा आपको अपकमिंग वीडियोस में। और क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ रिमोट प्लेस है, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह नहीं होगा, तो मैं वीडियो 10 दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर नहीं दे पाऊँ। तो प्लीज़ वेट कर लीजिएगा मेरे आने का। और अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी कम्युनिटी को बहुत बड़ा कर सकता है। तो आप सभी से फिर मुलाकात होती है मेरी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पोलाइट, बी हम्बल, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।